ये मेरा दोहिता है, इसके नाक से सांस नहीं ले पाता था, मुंह खोल के सांस लेता था, बहुत परेशानी थी, टोंसिल बड़े बड़े हो रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, मिली और डॉक्टर साहब को बताया, फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। जब डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? बच्चों में तो बहुत डर लगता है। नहीं, डर तो लगा था, लेकिन मेरे को विश्वास था आपके ऊपर कि भाई अच्छा सा कर लेंगे। पहले से जानती थी डॉक्टर साहब को, इसलिए मैंने सोचा कि करवा लेते हैं, करवाने में फायदा है, बच्चा परेशान हो रहा है। आज कितने दिन हो गए ऑपरेशन? 10 दिन हो गए। अच्छा, बढ़िया। पहले और अब में कितना फर्क है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है। इसको मुंह से सांस नहीं ले रहा है, आराम से नाक से सांस ले पा रहा है ये। अच्छा, और आपको यहाँ पे जो है ऑपरेशन वगैरह के दौरान कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं? ठीक है। एक जैसे अभी भी क्या है हमारे देश में, है ना, बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, बच्चों को पेरेंट्स क्या है उसके लिए इलाज नहीं करा पाते, है ना, तो आप क्या उनके लिए एक मैसेज देना चाहोगे अपने अपनी तरफ से कि उनको क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी जिस भी बच्चे को ये परेशानी है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से आके मिले, सलाह ले और ऑपरेशन करवाए। यस, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, यानी जिसको भी जो है वो अच्छा जहाँ पे सारी साधन सुविधा है वहाँ पे दिखा के इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल बेटा, आप ठीक हो? अब खाना वगैरह खा रहे हो? आज क्या खाया आपने? दूध पिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया है, ठीक है, थैंक यू।